इजरायली सेना को रफा पर हमला करना बेहद ही महंगा पड़ रहा है। अब गाजा में तैनात 900 इजरायली सैनिकों के परिवार ने इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना प्रमुख से रफा ऑपरेशन रोकने की मांग की है। इन परिवारों का कहना है कि रफा शहर उनके बेटों के लिए मौत का जाल है। वहीं दूसरी तरफ IDF जैसे जैसे रफा के भीतर घुसती चली जा रही है, वैसे वैसे इसके ऊपर जमीन और आसमान से हमास के लड़ाके गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइल बरसा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि रफा की जंग गाजा के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि सीमा से लगे शहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है और करीब 5 लाख लोग रफा से विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हमास का सुरंगों से लेकर जमीन के ऊपर तक रफा में एक तगड़ा नेटवर्क है, जो IDF के लिए अब एक मौत की खाई बन गया है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड्स ने पूर्वी रफा में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिससे पूरी IDF हिल गई है। अल कासिम ब्रिगेड्स ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों को निशाना बना रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कासिम के लड़ाके इजरायली टैंक के बेहद करीब पहुंचकर उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। इन हमलों के बीच अल कासिम ब्रिगेड्स ने 2 इजरायली टैंकों पर शवाज बमों से हमला किया है। इसके अलावा तीसरे वाहन पर अल यासीन 105 मिसाइल से हमला किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि अल कासिम के हमले के बाद हताहत सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए IDF का एक हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर उतरता है और मृत और घायल सैनिकों को लेकर उड़ जाता है। इस हमले को लेकर अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने IDF के सैन्य वाहनों पर सीधा हमला किया है, जिसमें इजरायली सेना का एक बुलडोजर भी शामिल है। अल कासिम ने अपने वीडियो में एक रोबोट को भी दिखाया, जो रफा की सुरंगों में से एक में घुसकर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि इजरायली सेना पहले सुरंग के भीतर रोबोट रख देती है, उसके बाद अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके सुरंग के मुंह को धमाके से उड़ा देते हैं। अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसका ये हमला जबालिया में किए गए कठिन ऑपरेशन में से एक है, जहां पर इजरायली फौज मुस्तैदी से तैनात थी, और इसी हमले में अल कासिम के लड़ाके अल यासीन 105 गोले से इजरायल के मिरकावा टैंक पर भी हमला कर देते हैं। अल कासिम का कहना है कि उसने टारगेट गाड़ी के पीछे तैनात पॉइंट ब्लैंक रेंज में 7 इजरायली सैनिकों का काम तमाम कर दिया। और जबालिया कैंप में एक हमास ने कठिन ऑपरेशन के तहत IDF की स्पेशल फोर्स के सैनिकों पर बड़ा हमला किया है। ये सैनिक स्कूल स्ट्रीट में एक बिल्डिंग के भीतर पोजीशन लिए हुए थे, तभी हमास के लड़ाकों ने इन पर एंटी इन्फेंट्री गोलों से हमला कर दिया, और जब बिल्डिंग के पहले फ्लोर से सैनिकों ने भागने की कोशिश की तो अल कासिम ने उनके ऊपर एंटी इन्फेंट्री रॉड टाइप IED धमाका कर दिया, जिससे IDF के सैनिक हताहत तो हुए, साथ ही कई सैनिक घायल भी हुए। और जब घायल सैनिकों और मृत सैनिकों को निकालने के लिए IDF का एक सैन्य वाहन और मिरकावा टैंक आया, तो अल कासिम ने उन पर भी अल यासीन 105 गोलों और IED से हमला कर दिया।